पिछले 1 मंथ से अपने घर नहीं गया। लास्ट 15 डेज बिफोर वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उस दिन 2 दिन जाने का मौका मिला। एक मेरे 2 मंथ की बेबी है, नहीं देख पा रहा हूँ। प्लीज़ स्टे एट होम, डोंट कम आउटसाइड। इस बीमारी को फैलने से प्लीज़ रोके, बहुत बड़ी समस्या आ रही है देश पे। आप देख नहीं पा रहे, हम देख पा रहे हैं। प्लीज़ स्टे एट होम, डोंट कम आउटसाइड टिल फर्दर ऑर्डर। हम लोग ऐसे सोल्जर की तरह काम कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। हम लोग जो भी कोरोना को हराने के लिए, हम सब टीम, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, ओटी टेक्नीशियन है, सब लगे हुए हैं। बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई लोग बाहर रह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई हैं। कई लोग क्या है कि जैसे कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ नर्सिंग स्टाफ है, वो बाहर से आए हैं, यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम क्या अभी फेस करनी पड़ रही है कि कुछ लैंडलॉर्ड्स हैं, वो दे आर जस्ट, मतलब वो मना कर रहे हैं कि हम, आप हॉस्पिटल से आ रहे हो, आप हमारे को कोरोना फैलाओगे, तो आप अपने 1 महीने का आपने नोटिस दिया था खाली करने का, तो आप छोड़ के खाली कर दीजिए। तो उससे क्या इफेक्ट हो रहा है कि वो डॉक्टर्स अब वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हम सभी लैंडलॉर्ड जितने भी हैं भाई, देश के जितने भी लोग हैं, उन सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स को आप इस चीज़ में सपोर्ट करिए कि उनको ऐसे घर से, मतलब भाई किराए पे रह रहे हैं आपके पास, तो कोई केरला से यहाँ पे आया हुआ है, कोई कर्नाटका से आए हुए हैं, तो वो यहाँ पे सब अपनी फैसिलिटी, अपनी सेवा दे रहे हैं सब मरीजों के लिए, तो उनको ऐसे मत करिए बिल्कुल भी। हाँ, मॉम डैड से बात कम हो पाती है, बहुत कम टाइम मिलता है, काफ़ी बार फोन मिस कॉल में ही चले जाते हैं, उनसे बाद में टाइम भी नहीं मिलता बात करने का। वैसे ही मेडिसिन में ड्यूटीज़ बहुत हेक्टिक होती हैं, इसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा हेक्टिक हो गई हैं। फिर अपडेट्स बहुत आ रहे हैं मेडिसिन और कोरोना वायरस पर, उनके साथ अब्रेस्ट रहना, उन्हें देखना, समझना, फिर उस हिसाब से पेशेंट्स को बताना। लोड तो बड़ा है। अगर छत्तीसगढ़ में है और अभी ये कोरोना वायरस डिसीज़ के चलते घर में अभी सब माँ बाप पूरे चिंता में है कि क्या चल रहा है वहाँ पे, न्यूज़ में इतना आ रहा है, तो एम्स में कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। और हमारे लिए तो पर्सनल लाइफ तो भी बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है, जैसे कि अभी मुझे अभी घर जाके कपड़े धोने हैं, और खाना कहाँ बनाना है या कहाँ खाना है वो देखना होगा। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के चलते हुए घर पे कंसर्न रहते हैं, बट एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैं अपनी परिवार को भी यही बताता हूँ, एक जैसे ये एक प्रकार का इन्फेक्शन ही है, संपूर्ण विश्व में है, और हम डॉक्टर हैं तो हम ही फ्रंट वॉरियर्स हैं, हमें लड़ना होगा इससे, और देश को इस समय सभी लोगों को एक साथ मिलके ही लड़ना होगा।